12 जुलाई 2024। कल बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक बहुत इम्पोर्टेंट फैसला दिया है, और ये फैसला है लीज रेंट के लिए। जैसे हमें पता है कि बम्बई शहर में मैक्सिमम लैंड जो है वो या तो बीपीटी की है या म्यूनसिपैलिटी की है या म्हाडा की है, तो स्टेट जो है वो मेजर लैंड ओनर है, बीएमसी की भी है। तो ये जो लैंड डेवलप करनी होती है तभी वो लोग रेंट पे देते हैं, लीज पे देते हैं, और बाकायदा लीज अग्रीमेंट लंबे लंबे समय का एग्जीक्यूट होता है, 30 साल 90 साल 50 साल। अब ये लीज जो है उसको रिन्यूअल करने के लिए जो क्या 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 उसका वैल्यूएशन होना चाहिए, मतलब कि अभी पहले तो लीज जो था वो 5 रुपये स्क्वायर फीट 1 रुपये स्क्वायर फीट वैसे भाड़े पट्टे पे दिया जाता था। समय बदल गया है, लोगों के पास, हमारे पास जमीन कम है और मोस्ट ऑफ की जमीन अभी डेवलप हो चुकी है। वैसे भी जब से रेंट एक्ट 1947 की जगह 1999 का रेंट एक्ट आया, तो रेंट पे तो कोई कंट्रोल है नहीं। पहले तो कंट्रोल था, वो कंट्रोल निकल गया है। तो अभी ये लैंड की लीज के लिए क्या होना चाहिए, वैल्यूएशन, मतलब हम लोग जो भाड़े पे देते हैं, लाइसेंस पे देते हैं, तो वो पर स्क्वायर फीट का किराया लेते हैं, मगर यहाँ पर जो है वो नवीनीकरण का इशू था कि ये पूरी जो लैंड थी वो बांद्रा में थी, और बांद्रा में जो लीज है वो समाप्त हो गई थी, और ये लीज डीड को रिन्यूअल के लिए जो रेंट मांगा सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, उसको चुनौती दे गई। ये ग्रुप मैटर थी, बहुत सारी रिपिटिशंस एक साथ में हियरिंग की गई और उसका एक कॉमन जजमेंट आया। तो मैं एक ही नाम दूंगी जो आपको याद भी रहेगा, वृंदावन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें कोई एक अनिल कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भी है, जो अगर आपको वो नाम याद रहे तो आप ऑफकोर्स वो नाम से सर्च भी कर सकते हो। तो अभी ये जो सारी ग्रुप ऑफ मैटर्स जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में आई और चुनौती दी गई, संवैधानिक जो वैधता है उसको चुनौती दी गई, और ये जो सारी लैंड है जहाँ पर बिल्डिंग है या बंगलोज है वो तो बहुत ब्रिटिशरों के टाइम पे लीज थी, तो उसको अभी रिन्यूअल का टाइम आ गया। तो रिन्यूअल का वैल्यूएशन कैसे करें, तो इस पे इन लोगों ने मार्केट वैल्यू पे लीज रेंट चार्ज किया और उसी पे वो लोग रिन्यू करना चाहते थे। जहाँ पर 2 GR आवे, गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस आए, उनको चैलेंज किया। तीसरा एक जो रेजोल्यूशन है वो कन्वर्जन ऑफ गवर्नमेंट लैंड इनटू ओनरशिप, मतलब कि जो भाड़े की जगह है वो आप एक्स अमाउंट भर के आप वो पूरी जो भाड़े पट्टे की जो जगह है वो सोसाइटी के नाम पे या खुद के नाम पे कर सकते हो। वो GR आया शायद 2019 में, वो GR चैलेंज नहीं हुआ। तो ये जो पिटिशन से ग्रुप मेटल, उसमें 2 GR चैलेंज हुए, वो है 29 मई 2006 और 12 दिसंबर 2012 और 5 मई 2018। ये 3 GR जो है वो चैलेंज हुए। जो 2006 का GR है वो बेसिकली उसके अंदर प्रावधान है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलती है, कि पॉलिसी डिसीजन लिया कि एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रेट्स जो है वो, जिसको हम रेडी रेकनर कहते हैं, जो स्टैम्प ड्यूटी को जिसपे आपकी खरीदी और बेचने की जो रेट्स है अग्रीमेंट की, उसकी वैल्यूएशन तय करता है। तो ये जो रेडी रेकनर है उस पे गवर्नमेंट लैंड्स का वैल्यूएशन करेगी। 2012 से 2018 और 2018 का जो GR है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन,
वो तय करता है कि लीज रेंट जो है, जहाँ पर ये सारे जो जमीन है वो भाड़े पट्टे पे दिए थे 50 साल 30 साल, अभी तो 30 साल के लिए ही रिन्यू होता है, पहले 50 साल, 999 साल, 90 साल, 99 साल ऐसे होता था, और तभी जमीन थी अवेलेबल, अभी जमीन नहीं है तो अभी 30 साल के लिए ही रिन्यू होती है। तो ये जो 2012 और 2018 का जो जीआर है, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, वो लीज रेंट क्या होना चाहिए और उसका बेस क्या होना चाहिए, एस पर रेडी रेकनर वो तय करता है। तो ये जो ग्रुप पिटीशन है उसमें 2006 का भी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन चैलेंज किया, 2006 का गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 2024 में चैलेंज हुआ। तो अब तक क्या था पता नहीं है, मगर हुआ, और उसको क्या हुआ उसका फाइनल आंसर, क्योंकि जजमेंट बहुत बड़ा है, हम सब कुछ नहीं डिस्कस करते, आप जजमेंट सर्च कर सकते हो, बॉम्बे हाईकोर्ट की वेबसाइट पे मिलेगा, मैंने आपको नाम भी दे दिया है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली जो लैंड्स है वो या तो कलेक्टर लैंड है या माड़ा लैंड है, बीएमसी लैंड है, तो आपको भी ये पढ़ना पड़ेगा अभी। तो ये नटशेल में जो फैक्ट्स है जो चैलेंज हुए ये ग्रुप ऑफ पिटिशंस में, वो ये है कि फिक्सेशन ऑफ लीज रेंट एंड वैल्यू ऑफ लैंड, मतलब कि वैल्यू ऑफ लैंड के ऊपर रेंट का फिक्सेशन हुआ। अभी आप देखो बैंड्रा में पर स्क्वायर फीट 150 रुपया है लाइसेंस फी, अगर थोड़ा सेंटाक्रूज पार्ला में आओ तो 125-100 रुपया है रेसिडेंशियल एरिया का, आप थोड़ा गोरेगांव उस तरफ जाओ तो 50 रुपया है पर स्क्वायर फीट का। तो ये वेरिएशन है और ये वेरिएशन मार्केट तय करती है, और उस हिसाब से वो एरिया का कोई भी रेजिडेंशियल फ्लैट है वो लाइसेंस पे जाता है। तो इधर भी सरकार ने बोला कि भाई हम तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से लीज रेंट चार्ज करेंगे, अब वो शायद बहुत ही ज़्यादा हो जाता क्योंकि टैक्स भी उतना है, म्यूनसिपल टैक्स रेटेबल वैल्यू पे है, इंसान क्या क्या भरे, ईएमआई भरे, टैक्स भरे, म्यूनसिपल टैक्स भरे, लीज रेंट भरे, कुछ ज़्यादा ही है। तो लेट अस सी अभी बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या डिसाइड किया। तो ये जो दो चीज़ें, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, जो मेथड है लीज रेंट का कैलकुलेट और उसका बेस, ये दोनों जीआर को चैलेंज किया गया। अभी पिटिशनर ने क्या बोला वो इम्पोर्टेंट है। पिटिशनर ने कहा कि फिक्सेशन ऑफ लीज रेंट ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ लैंड, मतलब के लीज रेंट जो है वो वैल्यू ऑफ लैंड के ऊपर फिक्स किया गया है और वो रेडी रेकनर के बेसिस पे किया गया है, वो बहुत ज़्यादा रेंट पेएबल हो जाता है पिटिशनर्स के द्वारा, जो 400 से 1900 टाइम ज़्यादा है। तो आर्ग्यूमेंट ये थी कि इंक्रीज इन रेंट इज मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी। अभी सरकार की जो है वो आर्टिकल 14 है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कोई भी सरकारी रिसोर्सेज है वो जो थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करते हैं आउटसाइड सरकार, मतलब सरकार ने जो लेसीज है वो या तो सोसाइटी है, इंडिविजुअल है, वगैरह वगैरह, वो थर्ड पार्टी हो गई। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि सरकार जब आउटसाइडर को ट्रांसफ़र करती है तभी उसमें से वो प्रॉफिट मेकिंग का नहीं सोच सकती, वो एक जजमेंट है, वो जजमेंट के बेसिस पे इन लोगों ने आर्ग्यू किया। वो जजमेंट क्या है हम देखते हैं, वो एक्चुअली वो जजमेंट के अंदर भी दूसरा एक जजमेंट है उसके बेसिस पे है, मगर ये जो जजमेंट इधर पेश किया गया बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने, वो रति पैलोनजी कपाड़िया, ये जजमेंट के बेसिस पे इन लोगों ने आर्ग्यू किया, और उन्होंने कहा कि प्रॉफिट मेकिंग है तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। अभी मैं सिर्फ कंक्लूजन बताऊँगी
क्योंकि ये पूरा नरेशन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने क्या किया कि रति पैलोनजी कपाड़िया जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो कोई प्रिंसिपल ले डाउन नहीं करता कि स्टेट जो है वो रेडी रेकनर के बेसिस पे वैल्यूएशन लैंड का नहीं कर सकती। लीज रेंट जब ही रिवाइज होता है तभी, ऐसा कोई बार नहीं है सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट के अंदर। हाँ मगर एक प्रिंसिपल है कि वो जो मैंने आपको बताया वो प्रिंसिपल है। तो उन वो ये है कि गवर्नमेंट ने रीजनेबल मैनर में लीज रेंट चार्ज करना चाहिए और एग्जॉर्बिटेंट नहीं होना चाहिए और आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। मन में आया वैसा मैंने लगा दिया तो नहीं चलता है, वो पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम के हिसाब से आपको लीज रेंट लगाना पड़ेगा, ऐसा कोर्ट ने कहा। तो फिर कोर्ट ने ये कहा कि ऐसे कोई गलती नहीं है जो सरकार ने रेडी रेकनर के बेसिस पे जो वैल्यूएशन दिया लैंड का कि वो लोग अनइक्वल और इक्वल ट्राई, वो लोग आर्बिट्ररी कर रहे हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं है क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी ऐसे ही ली जाती है, वसूली जाती है। तो जो सरकारी लैंड है वो कोर्ट ने ये कहा कि जो लीज रेंट लगाओ उसको फेयर ट्रांसपेरेंट मेथड से लगाओ और रेडी रेकनर जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। और सरकार ये जो रेडी रेकनर के बेसिस पे लीज का वैल्यूएशन करती है उसमें कोई गलत नहीं है और पिटिशनर इसको ये नहीं, उनके साथ अन्याय हुआ है। फिर तीसरा क्या कहा, तीसरा ये कहा कि जो रेंट का इंक्रीज है वो जो रिवाइज लीज रेंट है वो 2012 का गवर्नमेंट रेजोल्यूशन विथ 2018 का रेजोल्यूशन वो एग्जॉर्बिटेंट नहीं है, एक्सटॉर्शन भी नहीं है और आर्बिट्ररी पर नहीं है। क्योंकि कोर्ट ने पूरा वो क्यों नहीं है उसका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि रिवाइज लीज रेंट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए और डिस्काउंट वैल्यू ऑफ लैंड जो डेप्रिसिएशन है उसको भी कंसिडर करना चाहिए। जो लीज रेंट पेएबल है उसके अंदर इसको डिस्काउंट देना चाहिए, दैट इज हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। मगर अभी लैंड का डेप्रिसिएशन क्या होगा वो तो कैलकुलेशन करने पे ही समझ में आता है। और कोर्ट ने कहा कि ये जो सरकार ने लीज रेंट मांगा है उसमें कोई गलती नहीं है, वो लोग कोई प्रॉफिटियरिंग नहीं कर रहे हैं और अनरीजनेबल और विम्सिकल भी नहीं है, ऐसा कोर्ट की डिवीजन। अब कोर्ट ने आगे क्या कहा, एक जो जीआर है 2012 का उसका क्लॉज है B1D, बी कैपिटल इंटू ब्रैकेट वन इंटू अनदर ब्रैकेट डी, ये जो क्लॉज है उसको कोर्ट ने अमान्य किया। तो ऐसा क्या है, जब कोर्ट कहती है कि आप ये जो मार्केट वैल्यू है उसको लिंक कर सकते हो और रेडी रेकनर है उसको भी लिंक कर सकते हो, तो ऐसा क्या है ये बी वन डी के अंदर जो 2012 का जीआर है, 2012 का जीआर है उसके पहले हम ये देखते हैं कि ओरिजिनल लीज डीड जो है ये जितने भी पिटिशनर्स थे वो 1951 से 1981 के बीच के थे और ये जो क्लॉज है बी वन डी 2012 का जो है वो लीज रेंटल आप लिंक कर सकते हो रेडी रेकनर एज ऑफ 1 जनवरी 2012, पर इसके अंदर एवरी 5 ईयर्स जो रिविजन है उसके अंदर क्लॉज है ये जो बी वन डी के अंदर
उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जाहिर किया है। तो एवरी 5 ईयर्स जो है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको जो लीज रेंट वो सरकार ने कहा कि हम चेंज करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो 1991 और 1981 के बीच में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए उसमें ये होगा ही नहीं। तो लीज रेंट का क्लॉज होगा कि लीज रेंट म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं या लीज रेंट हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, ये प्रावधान होगा। मगर ये प्रावधान नहीं होगा कि लीज रेंट जो है वो एवरी 5 ईयर्स हम मार्केट वैल्यू को लिंक करके आपका लीज रेंट बढ़ाएंगे। तो ये एक ही जो चीज़ है वो पिटिशनर की फेवर में गई है। और दूसरी एक बात कि 2019 में एक GR आया वो जो लीज होल्ड जो लैंड है उसको फ्री होल्ड बनाने के लिए ओनरशिप बनाने के लिए था। तो एक उसकी वैल्यूएशन तय की गई है और उसके बेसिस पे अगर आप पैसे भर दो तो सरकार आपको वो लैंड आपके नाम पे कर देगी, चाहे वो इंडिविजुअल हो या सोसाइटी हो। तो ये जो एप्लीकेशंस है जो पेंडिंग है वो भी प्रोसेस कर सकते हो। तो ये पूरे जजमेंट में सिर्फ एक ही चीज़ है जो पिटिशनर के फेवर में गई है कि एवरी 5 ईयर्स जो लीज रेंट रिन्यूअल है वो नहीं हो।